नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फाउंटेन पेन्स रिव्यू पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पायलट का ये फाउंटेन पेन के बारे में। तो चलिए पहले देख देते हैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। ये पायलट लेपर्ड फाउंटेन पेन है, आप देख सकते हैं ये पायलट लेपर्ड फाउंटेन पेन। और इसकी जो पॉइंट साइज है वो फाइन, यानी आप बोल सकते हैं ये 0.5 और 0.3 के बीच में है। और इसकी MRP है 1400 रुपीज़। और आप जानते हैं कि ये बना हुआ है टोक्यो में, जापान का ये बना हुआ ये लग्जर का पायलट पेन। तो चलिए देखते हैं खोल के ये देखने में कैसा है। हालांकि जानना ये ज़रूरी है पायलट का ये फाउंटेन पेन का ये काफ़ी सारा वैरायटी आती है। पहले भी मैंने आपके पास एक दूसरा फाउंटेन पेन में लेके आया था इसी कैटेगरी का, जिसका नाम था वाइट टाइगर। तो ये देखिए लाजवाब, बहुत ही सुंदर, दिल बहल जाता है इस तरह की फाउंटेन पेन देखने के बाद। इसमें ये जो पैटर्न दिया गया है ये लेपर्ड की बॉडी में इस तरह की रहता है पैचेस, जिसके कारण इस पेन का नाम हुआ है लेपर्ड फाउंटेन पेन फ्रॉम पायलट जापान। ये देख सकते हैं ये जापान। हालांकि लाइट के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है शायद आपको, तो देख सकते हैं ये है जापान में बना हुआ। तो ये एकदम वाइब्रेंट कलर है। तो ये देखिए ये है बहुत ही फाइन टिप, देख सकते हैं ये फाइन टिप कितना सुंदर। इस ब्लैक बैकग्राउंड में आपको और भी अच्छा पता चलेगा, ये देख लीजिए इस तरह की ये आता है। और अब चलते हैं बात करते हैं अंदर की, देख लेते हैं क्या है। तो वही पुराना वही स्टाइल, ये जो रबर का एक बैरल दिया गया है ऊपर में स्टेनलेस स्टील है, इधर से आपको इसमें इस तरह से रख के आपको इस तरह से दबाना है इसमें, तो ये उठ के आ जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इस तरह की जो इंक कट जाते हैं प्लास्टिक का बना हुआ पायलट का आपको मिल जाएगा 70-80 रुपीज़ में, आपको 5 मिल जाएंगे जो कि रिफिलेबल है। आराम से आप कोई भी सीरीन से इंक अंदर घुसा सकते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं ये लिखता कैसा है। हालांकि ये पेन बहुत ही खूबसूरत है और इसके बॉक्स जो है वो लाजवाब, बहुत ही हार्ड केस दिया गया है। देखिए काफ़ी हार्ड है ये, कितने ज़ोरों से मैं इसको दबा रहा हूँ, देखिए कितना हार्ड है। तो आराम से इसमें आपको 3 पेन आपको आराम से आ जाएगा। तो कैरी करने के लिए एक लाजवाब एक केस भी दिया गया है। अगर दाम शायद इसी तरह से बढ़ते रहते हैं ये लाजवाब चीज़ों के बारे में। तो चलिए लिख के देखते हैं किस तरह से ये लिखता है। बहुत ही सुंदर, इंडियन। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा लिखता है। और सबसे अच्छी जो बात है जो पॉइंट है ये फाइन पॉइंट होने के वजह से आप कोई भी जब आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो बहुत छोटा जगह आएगा, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा ऑनली ब्लैक कलर की जो इंक आती है ब्लैक कलर का, वही सिर्फ होता है वाटर रेसिस्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म वगैरह फिर दूसरे कुछ लॉन्ग लास्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखे तो आप ब्लैक इंक को ज़्यादा यूज़ कीजिए। और ये फाइन होने की वजह से आप अगर चाहते हैं कि इससे कुछ ड्राइंग वगैरह स्केचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो तब भी ये आपके लिए बहुत ही सही होगा, क्योंकि स्केच के लिए भी मैंने देखा है कि ये बहुत ही अच्छा लिखता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात करते हैं तो मुझे इसके लिए 1040 रुपीज़ मुझे देने पड़े, 1040 रुपीज़ में। एक बहुत ही अच्छा डील था, ये लिखता भी अच्छा है। और ओवरऑल बात करते हैं तो जो राइटिंग है वो भी बहुत ही स्मूथ है। और बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही भारी, थोड़ा सा भारी है लेकिन बहुत ही टिकाऊ होगा लॉन्ग लास्टिंग में भी। तो दोस्तों अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ लिंक से आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कर सकते हैं। बाद में आज ही मैंने इसको रिसीव किया, 2-3 दिन के बाद यूज़ करने के बाद थोड़ा और डिटेल्स रिव्यू में इसका दूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।